हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पीरियड्स के बारे में। पीरियड्स टाइम से क्यों नहीं आते? कभी 15 दिन में आ रहा है, कभी 1.5 महीने में आ रहा है, कभी 20 दिन में ही आ रहा है, या फिर 2 महीने में आ रहा है। तो इसके क्या कारण है और इसके क्या घरेलू उपाय हैं? इसके बारे में हम बात करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी, अगर आपको मेरे वीडियोज़, मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अभी तक मेरा चैनल में कोई भी सब्सक्राइब नहीं है और शेयर भी नहीं किया है आपने। अगर आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। पीरियड्स का डिस्टर्ब होने का क्या कारण है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये है कि अक्सर क्या है, ब्लड लॉस की वजह से पीरियड्स डिस्टर्ब होते हैं, खून की कमी की वजह से। खून की कमी होगी तो पीरियड्स 100% डिस्टर्ब होंगे। खून की कमी का कारण है खाना पीना सही से नहीं होना, आयरन लॉस होना, आयरन की टैबलेट्स वगैरह नहीं रहना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आयरन से टैबलेट्स नियमित रूप से लेते रहें। इसमें आप मैरिड हैं वो भी ले सकते हैं, किशोरी हैं वो भी ले सकती हैं, जो अनमैरिड गर्ल्स हैं जिनकी आफ्टर 18 है वो ले सकते हैं, जिनका पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं वो ले सकती हैं। तो आयरन टैबलेट्स का ये नहीं है कि आप डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से ही आयरन टैबलेट्स लें। आयरन टैबलेट्स आप नियमित रूप से लेते रहें, क्योंकि लेडीज़ में क्या रहता है, पीरियड्स तो आते ही रहते हैं। अब पीरियड्स आते रहते हैं तो आयरन लॉस होता रहता है, तो उनको ज़रूरत पड़ती है रेगुलर आयरन लेने की। रेगुलर आयरन की पूर्ति करने के लिए आपको डेली एक टैबलेट्स तो आयरन की लेनी चाहिए। अगर आप एक नहीं ले रहे तो 2 भी टैबलेट्स आप सुबह शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं। तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये गवर्नमेंट से भी सप्लाई मिलती है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी आयरन टैबलेट्स ले सकते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र हैं उन पे भी, ANM-Benzi या फिर और कोई बेड या फिर और कोई हेल्थ वर्कर है तो वो आपको आयरन टैबलेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको मार्केट से भी लाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बात करूंगी मैं कि पीरियड डिस्टर्बेंस होने का एक कारण और भी है कि आपकी दिनचर्या का सही से नहीं होना। आपकी दिनचर्या ख़राब है, आप टाइम से उठ नहीं पा रहे हो, टाइम से सो नहीं पा रहे हो, आपका सोने का जागने का कोई टाइम नहीं है और खाने पीने का कोई टाइम नहीं है। लेट नाइट तक मोबाइल चला रहे हो या फिर लेट नाइट तक सो रहे हो, तो ये सारी चीज़ें भी आती हैं जो आपकी बैड हैबिट्स में है। बैड हैबिट्स की वजह से भी आपका जो पीरियड्स है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये आज के समय में आम समस्या हो गई है। 100 में से 70% लेडीज़ को पीरियड डिस्टर्ब रहते हैं और 20% लेडीज़ को ऐसा है जिनका टाइमली पीरियड्स आते हैं और टोटल 7 डेज या 4 से 5 डेज पीरियड्स चलते हैं। लेकिन इसका कारण यही माना जाता है कि आपकी दिनचर्या सही नहीं है, आप फिजिकल एक्सरसाइजेज नहीं करते हो। तो आपको अगर पीरियड्स टाइम से लाने हैं तो आप रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करते रहें, अपनी दिनचर्या को सुधारें, प्राणायाम योगा वगैरह करते रहें, आयरन टैबलेट्स रेगुलर लेते रहें। ये कारण है कि क्या होता है कि जो लेडीज़ हैं वो पीरियड्स आया, उनको पेन हो रहा है तो उनको वो क्या करती हैं, एंटीपास्मोडिक्स टैबलेट्स लेती हैं। ये कभी भी आपको नहीं करना है। जो नेचुरल प्रोसेस है, भगवान ने बनाई है, पीरियड्स आ रहा है तो आपको थोड़ा सा पेन भी होगा। पेन क्यों होता है? पेन इसलिए होता है क्योंकि जो आपका यूटेरस है उसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। वो कॉन्ट्रैक्शंस का कारण है कि आपके यूटेरस की टून, आपके जो यूटेरस की स्ट्रेंथ है उसको मजबूत करते हैं। जो आपका यूटेरस है, जो आफ्टर मैरिज आपकी जो चाइल्ड बर्थ में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जो आपके जो कॉन्ट्रैक्शन जो पेन है, तो आप उस पेन को दवाएं नहीं, उसके लिए आप टैबलेट्स नहीं लें, तो ये भी एक कारण माना जाता है। अगर आपको ज़्यादा पेन है तो कोशिश करें कि थोड़ी कभी कभार ही टैबलेट्स लें, बट रेगुलरली आप टैबलेट्स ना लें। और अपने खाने पीने का ध्यान रहें, ग्रीन वेजिटेबल्स लें, ऐसा खाना पीना खाएं जिससे आयरन का बढ़ोतरी हो। और आयरन टैबलेट्स का भी मैं बार बार कहूँगी, आयरन टैबलेट्स लेते रहें। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आपके जो पीरियड्स हैं वो टाइमली आएंगे और आपको कभी भी पीरियड्स की समस्या नहीं होगी। थैंक यू।